काटते न काल तराए। अब जीवन जाए या मरण है, ये वाटिका में पुष्प की खोज नहीं, सागर में अमृत मंथन है। समुद्र मंथन की अवधि बढ़ती ही जा रही है, सभी रत्न प्राप्त हो चुके हैं, तो फिर अमृत में इतना विलंब क्यों? मुझे भय है कि इनका धैर्य इनका साथ ना छोड़ दे। धैर्य त्याग देना ही सबसे बड़ी पराजय है। आपने सत्य कहा था मित्र, जीवन में कभी भी हम किसी भी प्रकार के फल की आकांक्षा रखते हैं तो उसे पाने के लिए कड़ा परिश्रम ही नहीं धैर्य की भी आवश्यकता होती है, और यदि आप अधीर ना हो तो निश्चित ही उस परिश्रम का फल अर्थात विजय प्राप्त होती है। अमृत, अमृत, अद्भुत, असुर राज अमृत। अमर तत्व, अमृत, धनवंतरी का प्रणाम स्वीकार करें। आपके परिश्रम का फल अर्थात अमृत आपके समक्ष उपस्थित है। कलयुग इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपसे अद्भुत और कोई नहीं है। जो दिशा के विपरीत चले वही दिशा परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। यहां सब अमृत चाहते हैं और आप हलाहल, किंतु ये प्रतीक्षा कब तक? अब वो समय आ गया है मित्र। अमृत के लिए इन असुरों का लोभ ही मुझे हलाहल की उन दो बूंदों के निकट ले जाएगा। फिर तो अतिशीघ्र प्रस्थान करना चाहिए, इससे पहले महादेव और विष्णु की दृष्टि में हलाहल आए, अन्यथा आपका स्वप्न स्वप्न ही रह जाएगा। असुरों का उत्साह तो देखिए, प्रसन्न तो ऐसे हो रहे हैं मानो अमृत लेकर धन्वंतरी का आगमन इनके लिए ही हुआ है। इनके उत्साह पर अंकुश अति आवश्यक है। यदि इन्हें अमृत प्राप्त हो गया तो ये इतने बलशाली हो जाएंगे कि धर्म को पूर्ण रूप से नष्ट कर देंगे। फिर तो इन्हें परास्त कर पाना महादेव और नारायण के वश में भी नहीं रहेगा। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए अमृत को देखकर असुरों में ऊर्जा आ गई। उसके उपरांत सभी असुरगण और देवगण
अमृत पान के लिए आपस में लड़ने लगे। राजन एवं असुर राजबलि, आप दोनों अपने व्यवहार पर अंकुश में रहें। राहु, दानव होकर भी क्यों इन तुच्छ मानवों की भांति व्यवहार कर रहे हो? दानव अपने अधिकार के लिए भिक्षा नहीं मांगते, अभी तो उसे छल बल और कल से छीन लेते हैं। छीन लो उसे जित पे केवल तुम्हारा अधिकार है। असुर राजबलि, क्या आपने निश्चित कर लिया है कि आप युद्ध से ही अमृत को प्राप्त करेंगे? हम असुर अपने अधिकारों की प्राप्ति अपने पराक्रम से ही करते हैं। ये युद्ध नहीं, इन देवताओं की छल कपट और मिथ्या का उत्तर है। अमृत कलश ले लिया है, ये तो छल है। अमृत, अमृत, बहुत प्रतीक्षा करवाई तूने, अब इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है, अब इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। मित्र, शांत मित्र, असुर हैं तो असुर के समान ही व्यवहार करेंगे। अब इस बात के लिए आप व्यर्थ में ही स्वयं को क्यों पीड़ा दे रहे हैं? अब जब इन्होंने हमें छलिया कह ही दिया है, तो धर्म की रक्षा के लिए छल से इनका परिचय करवाया जाए। देखिएगा, वो छल इतना आकर्षक होगा कि आपका मन भी मोह लेगा। ये अमृत कलश तुम हमें सौंप दो। मैं? तुम्हारा ये मार्ग इस समस्या का समाधान नहीं है। समाधान तो अब केवल युद्ध है ब्रह्मदेव। वार्तालाप बहुत हुई, अब वार्तालाप हमारे शस्त्र करेंगे। अब ये कैसी माया है प्रभु, इस रूप को अब हम क्या नाम दें? पहली बार आपने अपने मित्र से झूठ कहा है। आपके इस रूप ने ना केवल हमारा बल्कि सबका मन मोह लिया है।
जिसकी आंखों की चमक सूर्य का प्रकाश बनकर फैलेगी, जिसकी मधुर मुस्कान पुष्पों में रंग भर देगी, जिसके काले घने केश अंधकार को भी स्वर्ण की भांति आकर्षक बना देंगे, जिसकी चाल की गति पर धरती की गति निर्भर होगी, अपने रूप से सबका मन मोह लेने वाली के लिए केवल एक ही नाम उपयुक्त है, मोहिनी। मोहिनी, मोहिनी। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।